सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं सोनीपत, जहां से हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हलचल आज देखने को मिलेगी आपके हलके में? देखिए सृष्टि, आज जो है सोनीपत जिले में कहीं ना कहीं जो विधायक राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बुरोली, उन लोगों के घर घर जाकर उनसे समस्या जानने का प्रयास करेंगे, लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और लगातार लोगों लोगों की मुलाकात करकर उनकी समस्या का हल करवाने के लिए प्रयासरत है। की बात बता दें कि आज जो एतवार का दिन है और एतवार का जो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन जो है जो माइनर लोग होते हैं वो अपने काम के लिए निकलते हैं और पोलो की जो रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा, जो उस पर कहीं ना कहीं जो आज जो है मंडी भी लगेगी और मंडी सब्जी मंडी में भी पोलो तीन का काफी बड़ा व्यापार दिखाई देगा, लेकिन प्रशासन काम कर नहीं दिखाई दे रहा। और लगातार आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और अभी जो कोरोना की महामारी जो देश में चल रही है उससे बचने के लिए जरूर एक एहतियात जरूर बदले बरते लोग, जो क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अभी गई नहीं है, मास्क जरूर लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बारिश का समय है और बारिश के समय में डेंगू और मलेरिया जैसी अनेक तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मौसम विभाग की, तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आए दिन बारिश हो रही है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं सोनीपत की, तो क्या जलभराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है? लोगों को जलभराव से परेशानी हो रही है या नहीं? और अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए सृष्टि, स्टेट हाईवे भाद्रगढ़ है जो के रोहतक और भाद्रगढ़ और सोनीपत को जोड़ता है, जिस पर टोल भी जाता है, वो एक जहेड़ी गांव के शहीद मार्ग जो है जिधर सत्य प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, उस पर अवैध कॉलोनियों का पानी जरूर भरा रहता है, बाढ़ के बिगर भी भरा रहता है, गंदगियों के भंडार भी लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी आम नागरिक के लिए जरूर आफत बना हुआ है। और बारिश का जब समय होता है तो उससे पहले करोड़ों रुपए का बजट जरूर सरकार की तरफ से पास होता है, क्योंकि नालों की सफाई, नालियों की और गलियों की सफाई होती है, लेकिन वो सिर्फ फाइलों में बनकर रह जाती है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना होता है, और लगातार जो ठेकेदार हैं वो मिलकर कहीं ना कहीं मोटा बजट डकार जाते हैं, इस पर कहीं ना कहीं जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जी सृष्टि, बिल्कुल। तो ये तो हमने आपको बताया कि सोनीपत में क्या कुछ आज हलचल देखने को मिलेगी, और भी जानकारी हम लेंगे लाजपत से, लेकिन आपको अब हम लेके चलते हैं सर, हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हलचल आज देखने को मिल रही है आपके हलके में, क्या कुछ खास होने वाला है? सृष्टि, हलके की अगर मैं बात करूं और पूरे जिले का मैं हाल बताना चाहूं, तो सबसे बड़ी जो यहां पे हलचल है वो पानी निकासी को लेकर है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश लगातार चल रही है, पिछले 3-4 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे इलाके में मकान गिरने के कगार पर आ चुके हैं। कल भी हर खबर हरियाणा ने बहुत अच्छी कवरेज 11 बजे लाइव के साथ ली थी कि किस प्रकार से लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी है। अब वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से सीएम विंडो पे शिकायत दी जाए, विधायक से मिला जाए, मंत्री से गुहार लगाई जाए, मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया जाए। तो सबसे बड़ी निकासी जो पानी निकासी है उसकी समस्या को लेकर के लोग आज हो सकता है कल सुबह वो उपायुक्त से भी मिले और सीएम विंडो की दरखास्त भी लगाए। इसके साथ साथ अगर मैं कोरोना के मामलों पर अपडेट देना चाहूं तो कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो एक स्थिति पहले हम कोरोना की वेब में देख रहे थे उस प्रकार के हालात नहीं है, हालात सामान्य कहे जा सकते हैं सृष्टि, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर रोज 15 से 20 के करीब के जो नए मामले आ रहे हैं वो भी कहीं कहीं अपने में एक चिंता व्यक्त करने वाले हैं सृष्टि। बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से आपने जल भराव की बात करी, तो ऐसे में अगर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में बीमारियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि डेंगू मलेरिया यहाँ पर अगर इसी तरीके से पानी जमा रहा तो आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा खतरा हो जाएगा। बिल्कुल सृष्टि, मलेरिया के साथ साथ डेंगू के मच्छर भी यहाँ पर पनप रहे हैं, लार्वा उसका देखने को मिलता है, लेकिन ये तब की बातें हैं जब लोग सुरक्षित रहेंगे तब, क्योंकि जो हालात हैं मकान गिरने के हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों की फसलें हैं वो जल गई है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ नरमा की फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो गई है,
तो ऐसे में लोगों को पहले ये चिंता है कि वो अपने घर बार और अपने परिवार को कैसे बचाएं। हाँ, ये सवाल बड़ा वाजिब है कि ऐसे बारिश का जब मौसम होता है, पानी का ठहराव होता है, पानी निकासी नहीं होती, तो उसमें मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, डेंगू की बीमारी फैल जाती है। तो ऐसे में भी प्रशासन को समय रहते पूरे गांव में, पूरे इलाके में फॉगिंग करवानी चाहिए और लोगों को एक जागरूक अभियान चला के बताना भी चाहिए कि किस तरह से वो मलेरिया के जो बीमारी है उनसे बच सकते हैं, कैसे जो डेंगू के लार्वा देने वाले मच्छर हैं उनका खात्मा कर सकते हैं, या उनको दवाइयां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि वो अपने आसपास का इलाका है उसको स्वच्छ और साफ रख सके। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि फॉगिंग करवानी चाहिए और हर जब बारिश का मौसम आता है तो प्रशासन की तरफ से फॉगिंग करवाई जाती है, तो क्या अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं? आपके अधिकारियों से बात हो पाई है कि कब तक इस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, कब तक लोगों को जागरूक किया जाएगा और कब तक जांच की जाएगी कि कहीं किसी घर में लार्वा तो नहीं है? इन सब चीजों की भी जांच की जाती है समय समय पर। जो मलेरिया अधिकारी है उन डॉक्टर सुभाष खतरेजा, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि उनकी टीमें निरंतर काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि टीमें निरंतर काम कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से जिला हिसार है 350 के करीब इसमें गांव आते हैं और उसमें अगर आप 20 टीमें लगा करके पूरे इलाके को स्वच्छ और साफ रखना चाहते हैं, बीमारी मुक्त रखना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको टीमों की संख्या बढ़ानी होगी, दवाई की संख्या बढ़ानी होगी और साथ में ग्रामीणों का, सरपंच, नंबरदार और युवा संगठन जितने हैं उनका सहयोग लेना होगा, क्योंकि अकेला प्रशासन इतने लंबे चौड़े इलाके में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप दवाइयां मुहैया करवाएं, लोगों को मशीनें मुहैया कराएं ताकि युवा संगठन, सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो आगे आएं और वो अपने अपने इलाके को स्वस्थ रखें ताकि मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर ना बन पे। बिल्कुल लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी, आपको लेके चलते हैं हम सोनीपत, लेकिन हमारे सबसे इससे पहले हम अनूप का रुख कर लेंगे। अनूप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने बात करी अभी यहाँ पर कि मौसम बदल रहा है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं लेकिन जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, अगर रुख करते हैं हम कोरोना का तो ऐसे में बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ अपडेट आपको लेकर के यहाँ पर मिल रहा है? तो कोरोना के मामले कुछ बढ़ोतरी की तरफ नजर आ रहे हैं, हालांकि जो पहले जिस प्रकार से गाइडलाइन प्रशासन द्वारा जारी की गई थी मास्क वगैरह लगाने की, वो तो बंद कर दी गई है। अब इतना तेजी से कोई चेकिंग अभियान भी नहीं चल रहा, लेकिन इलाके में बहुत सारी स्थिति ऐसी है जिसमें लोगों ने आज तक पहली डोज भी नहीं लगवाई, वो लोग आज भी भ्रांति में हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, लेकिन जरूर हैं ऐसे जिन्होंने पहली डोज तक नहीं लगवाई। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि उन लोगों को किसी भी तरह से पहली डोज लगाई जाए, उनको समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए। उसके बाद दूसरी डोज लगाने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, उसके साथ बूस्टर डोज भी शुरू हो चुकी है। बूस्टर डोज का जो पहले एक छोटा सा अमाउंट रखा गया था वो भी नहीं लिया जा रहा। सिविल हॉस्पिटल में आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं एक के बाद, और आपका जो समय है जो आपकी पहली और दूसरी डोज लगने के बाद वो अगर पूरा हो चुका था, बूस्टर डोज भी लगवाएं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है कि हमारी पहली दूसरी डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगी हो, ताकि जिस प्रकार से जो लहर चली थी, वो चाहे पहली लहर की बात हो दूसरी लहर की बात हो, उसमें इतना नुकसान देश प्रदेश को उठाना पड़ा था, तो इस प्रकार के हालात दोबारा से ना बन जाए, लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा से ना बन जाए, लोगों को अपने रोजगार से हाथ ना धोना पड़ जाए। इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें और समय समय पर सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जाती है उनका पालन भी करें। बिल्कुल, तो ये तो बात थी हिसार के, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि आज हिसार में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी और क्या कुछ खास रहने वाले, इसी के साथ लोगों को किस किस परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अनूप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए आपको अब सीधे ले चलते हैं काला वाली, जो हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मंदिरों में जो है भक्तों का जरूर आना जाना है, जो पता है लगा हुआ है। सुबह 4 बजे है जो मैं कलावाड़ी के दुर्गा प्राचीन दुर्गा मंदिर में खड़ा हूँ, यहाँ पर देखने को मिलता है जाना शुरू हो जाता है और कोरोना काल की गाइडलाइनों का जो है प्रबंध है जो किया गया है, कहीं ना कहीं तो बेटी है वह पूरी सचेत।
बिल्कुल ज्योतिष, जिस तरीके से सावन चल रहा है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो भक्तों से आपकी बात हो पाई होगी, क्या कुछ उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है? अगर भक्तों की बात की जाए तो भक्तों में काफी उत्साह है। हमारी सुबह नहीं, जैसे लाइव आने से पहले बात हुई थी भक्तों से, उनका कहना है कि 2 साल पहले जो कोरोना काल में निकले हैं, लेकिन अब की बार बरावली में अगर बात की जाए तो शिव भक्तों की जो काउंट देने के लिए काफी संख्या में गए हुए हैं। 26 तारीख को जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि के जो पर्व पर है, सभी मंदिरों में धूमधाम से शिवरात्रि का जो पर्व है वह मनाया जाएगा। अगर बात की जाए कांवड़िए की, तो कांवड़िए पर जत्था जो रवाना हुआ है उसके लिए भी काफी पुलिस की ओर से जो है गाइडलाइन हिदायतें जो है जारी की गई है, और जो कांवड़िए गए हैं उनका भी एक खासकर उनको भी एक जो दिशा निर्देश कमेटी की ओर से लेकर दिए गए हैं कि भारी जो साउंड का प्रयोग है वह न करें, हथियारों का जो प्रयोग है हथियार साथ में ना लेकर चले, इस तरह की जो गाइडलाइन है मंदिरों की ओर से उनको देकर जो है भेजे गए हैं। जिस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हल्का हलचल में हमने आज आपको बताया कि क्या कुछ खास आपके हल्के में है और क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।